नमस्कार। कल आपने पेंसिल से प्रैक्टिस की थी और जो मैंने प्रैक्टिस कराई थी उसी के आधार पर आज हम ब्रश से भी प्रैक्टिस करेंगे। तो कल जो मैंने प्रैक्टिस कराई थी वो और पान की थी, कैरी की थी, तिलक की थी, इस तरह से। तो सबसे पहले तो ये मैंने ये कहा था, इस तरह से आप ये चीज़ आ रही थी तो इनकी आँख की बनाई थी। ये इसलिए किया कि आपका जैसे हाथ चलेगा पेंसिल से वो ब्रश के लिए आपकी प्रैक्टिस हो रही है। ये सारी सारी चीज़ें मैंने आपको कल बताई थी। चेहरे के कुछ ये इतने करने के बाद में अगर आप कोई ड्राइंग करना चाहें, जैसे कि हाथ है ये, तो ये हाथ का पहले एक बैलेंस ले लें। अब इसी में आपको ये ऐसे हाथ बनाना है। इस तरह से पाँव बनाना है। इस तरह से तो ये जो चीज़ें कल करके पेंसिल से आपने प्रैक्टिस की, आज भी आपने प्रैक्टिस की होगी पूरी। तो अब इन सभी को ब्रश से कैसे बनाया है, ब्रश का मूवमेंट कैसा हो, वो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहला काम तो ये है कि हम जो भी कलर लेंगे वो एकदम घुटा हुआ हो। हम ब्रश के माध्यम से कोई सा भी कलर नहीं घुटेंगे। सिर्फ ब्रश का काम है कलर लेना और लाइन करना। जनरली लोग बच्चे स्टूडेंट्स करते हैं कि ये ब्रश लेंगे और उसी से ऑयल पेंट में जिस तरह से कलर मिक्स करते हैं उस तरह से करते हैं। हमें ऐसा नहीं करना, क्योंकि हमारी जो फाइन लाइन ब्रश होती है वो बहुत ही डेलिकेट होती है, तो हमें उसका ध्यान रखते हुए हमें काम करना है। तो विशेष तौर से मैं आपको और कहना चाहूँगा कि आपने मेडिटेशन ज़रूर किया होगा और 5 मिनट प्राणायाम भी किया होगा। और ये मैं बार बार इसलिए जोड़ देता हूँ कि यही आपका मेडिटेशन, यही आपका प्राणायाम आपके लाइन में पावर लेकर आएगा। बिना इसके पावर संभव नहीं है। तो इस तरह से आप ये कर लेंगे। और ये जो मैंने जो डिज़ाइन बनाई थी वो भी मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह से पॉइंट बनाने के लिए आप हल्का सा कलर यहाँ भी सेट कर सकते हैं। ये है दूसरी, मैंने ये बताया था आपको। अब ये उसकी वजह ये थी कि आप देखिए ब्रश का मूवमेंट कहाँ तक ले जा रहे हो, आप ब्रश को आप कितनी देर तक डांस करा सकते हो, आप किस ये जब पेंटिंग करेंगे तो अपना आप आपके स्वतः ये चीज़ें दिमाग में आ जाएगी कि आपको करना कैसे है। एक मैंने ये बताया था आपको, इसमें ब्रश का हर मूवमेंट है, नीचे भी आ रही है, ऊपर भी जा रही है और घूम भी रही है। इसके आधार पर ही हम सब चीज बनाते हैं। और जो कैरी बनाना सीखा था आपने, ये जैसे आपने ये कैरी बनाई,
ये पूरा मूवमेंट हो रहा है, और जब इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप देखिए एक एक ये हमने कैरी बना दी, फिर ये हम दूसरी कैरी बना रहे हैं, और यहाँ से लाइन को थिन करेंगे, ऊपर उठाएंगे, यहाँ दबा देंगे, एक ही फ्लो के अंदर आपकी ये आँख भी बन गई। बसोली में जो आँख बनती है ऊपर की हल्की सी लाइन इस तरह से, और ये नीचे से थोड़ा सा गहरा बढ़ाएगा, हर स्टाइल की अपनी एक आग बनाने की तकनीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर हम किशनगढ़ स्टाइल की आग बनाएंगे, ऊपर चली जाती है, तो ये लाइन से ही समझने वाली चीज़ है सब। और उसके बाद में इसमें परताज लगती है, फिर इसमें आईब्रो बनते हैं, कलर, तो वो बहुत सी चीज़ें। अपने आप आपकी ब्रश से उतरती रहेगी। ये मैंने एक चेहरा बना के बताया था आपको। जब आप मौन हो जाएंगे तो आपकी आत्मा की आवाज़ आपको सुनाई देने लगेगी। ये हम प्रैक्टिस हमको करनी है, एक बार नहीं कई बार करनी है। आपने मेरे बहुत से वीडियोस हैं यूट्यूब पे, वो भी देखे होंगे, मैंने इस तरह की डिज़ाइन भी करके दिखाई थी, वो भी मैं एक बार आपको और करके दिखा देता हूँ। कि ब्रश का फ्लो, हम ब्रश यहाँ टच करेंगे, दबाएंगे, और फिर उसको वापस ऊपर ले जाके घुमा देंगे। ये देखिए, इसको अपने हिसाब से आप साधना पड़ेगा आपको, कि आप किस तरह से आप फाइन ब्रश को यूज़ कर सकते हैं पेंटिंग में। ये देखिए, इसका रिपीटेशन चलता रहेगा, सांस रोकनी आपको, सांस अंदर लेकर के, ब्रश के नेचर को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप जब तक ब्रश के नेचर को नहीं समझेंगे आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब जैसे ये कमल है,
नीचे से पतली और ऊपर से यहाँ थिक कम लाइन ले लें, फिर नीचे से पतली लेंगे, यहाँ से हम थिक। ये ब्रश अपना काम कर रही है, तो इस तरह का जो फ्लो आएगा वो अच्छा है। देखिए फोर्स जरूरी है। अगर भारतीय चित्रकला में प्रभावपूर्ण लाइन नहीं हो, भावपूर्ण लाइन नहीं हो, फोर्स नहीं हो, धारा प्रवाह नहीं चल रही हो, तो वो उसमें पेंटिंग में मज़ा नहीं आ पाएगा। इसलिए हमें इन चीज़ों का भी विशेष ध्यान रखना है कि हम जब लाइन करें श्वास अंदर लें, रोकें और फिर लाइन हम शुरू करें। पत्तियों की अपने आप नेचर इसमें आपको देखने को मिलेगी। आपको रंगों से खेलना है, ब्रश से खेलना है, इसके नेचर को समझना है कि अगर ये ब्रश ऐसे मुड़ रही है तो इसका नेचर कैसे है, और अगर हम इसको अपोजिट साइड में टर्न करते हैं तो इसका क्या नेचर बनता है। ये आपको, ये जैसे ब्रश का बाल आ गया तो इसको ज़रूर वापस से पॉइंट बनाएं इसका। अगर आपको लगे पॉइंट से ही नहीं बने तो उसको टच ही नहीं करें। ये देखिए, ये इसके नेचर है। ये बस हाथ को साथ देने की ज़रूरत है आपको। तो इन सारी चीज़ का हमें ध्यान रखते हुए प्रैक्टिस करनी है, बल्कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हम आज ही पेंटिंग शुरू कर दें, फटाफट बनाना शुरू करें। ये बेसिक आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, बेसिक प्रैक्टिस करना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे तो पेंटिंग अच्छी नहीं बन पाएगी। पेंटिंग बनाना, रंग भरना, फिर उसके बाद लाइनिंग करना, ये सारे के सारे आपकी इस प्रैक्टिस पर डिपेंड करेंगे। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा समय आप इसमें व्यतीत करें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें, और उसके बाद में इस तरह की आप अगर आप लाइनिंग करेंगे तो मैं समझता हूँ आपकी पेंटिंग बहुत अच्छी बनने वाली है। तो आप विशेष ध्यान मेडिटेशन करते हुए, श्वास को रोकते हुए आप ये लाइनिंग की प्रैक्टिस करें। नमस्कार।